हाय दोस्तों, दिस करण दिस साइड विद द कलकत्ता टेस्ट फॉर टुमारो। कल का दिन अच्छा दिख रहा है दोस्तों। ऑलमोस्ट सारी रेस फेवरेट ही दिख रही है मेरे को, फेवरेट सेकंड फेवरेट ही मारेगा। वैसे ही एक बार जैसे बैंगलोर में आपको बताया था कि पैसे कमाने वाला दिन है, आप जा सकते हैं, वैसे ही कल लग रहा है मेरे को। पहली रेस में आते हैं दोस्तों, पहली रेस 1:30 बजे से है। पहली रेस पर आते हैं दोस्तों, अभय गामा बहुत हैंड्स डाउन जीता है घोड़ा। एक रन और जीतना है इसको, तभी ये ऊपर जाए, ऊपर तो आ ही गया है क्लास। एक रन और यहाँ पे जीते हुए, क्योंकि इसके जैसे भागा उसके लेवल का कोई भागा ही नहीं है अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो। एक सैबरेज एट है जो इसमें कुछ परेशानी दे सकता है, बट ये बहुत ही तगड़ा ट्रैक भी दे रहा है, काम भी अच्छा कर रहा है घोड़ा, मेरे हिसाब से जीतना चाहिए दोस्तों। अभय गामा विन। दूसरी रेस में आते हैं दोस्तों, दूसरी रेस में आपको मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा प्लेस प्लेस करके इधर बच जाना है, चुपचाप अपना निकलने का है। इधर दोस्तों मेरे को रैक्सर एक बार प्लेस मैं बोलूँगा, बस आप प्लेस करिए, ज़्यादा इसमें मत जाइए, क्योंकि घोड़ा अभी गेट प्रैक्टिस तो दिया है बट घोड़ा कैसे निकलता कैसे भगाता, क्योंकि बहुत टाइम से हार रहा है दोस्तों, बहुत पेंडिंग घोड़ा है। इसको जिताना के लिए लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं बट अभी नहीं जीत पा रहा है, बट एक लास्ट ट्राई आप इसको सिर्फ प्लेस में लेके देखिए दोस्तों, ये घोड़ा प्लेस कर जाएगा मेरे हिसाब से। रैक्सर को आप सिर्फ प्लेस करिए, अगर भाव कम रहा तो आप इसको विन भी लगाइए, मैं तो ये बोलूँगा। जैसे 2 रुपये विन है, हाफ मनी प्लेस है तो आपको प्लेस में कुछ मिलेगा नहीं, तो आप इसको फिर थोड़ा सा विन का भी चांस लीजिए, बट आप इसको प्लेस ज़रूर करिए, घोड़ा प्लेस पक्का रहेगा मेरे हिसाब से। तीसरी रेस आता है दोस्तों, तीसरी रेस में मैं आपको बोलूँगा दोस्तों, बीट द बैंक, इसको भी आप प्लेस करिए। ये घोड़ा उस दिन बहुत अच्छा आना था, ये घोड़ा जीतना था, जॉकी को फाइन किया गया है। ये घोड़ा उस दिन बहुत ख़राब इसने राइड किया था मोहित सिंह ने, इस कारण से घोड़ा फोर्थ हुआ, नहीं तो घोड़ा पक्का बोर्ड में था। रेयर बर्ड वही रेस सेकंड भागा, रेयर बर्ड बहुत दिन से ट्राई कर रहा है, ये अभी भी अपना पहला विन खोज ही रहा है, ये घोड़ा अभी तक इसका पहला विन नहीं हुआ है। तो रेयर बर्ड मेरे हिसाब से विन प्लेस उस दिन कर सकते हैं आप। पॉपकॉर्न भी बहुत अच्छा भागा था उस दिन वाली रेस, पॉपकॉर्न बहुत तगड़ी रेस भागा था, तो पॉपकॉर्न भी एक बन रहा, बट बीएल पासवान इतना मेरे को पॉजिटिव राइडर नहीं लग रहा है इस रेस में। मैं आपको बोलूँगा कि आप बीट द बैंक को इसमें आप सिर्फ प्लेस करिए और आप छोड़ दीजिए आगे, कुछ आगे इसमें मत देखिए। अब आते हैं दोस्तों फोर्थ रेस, यहाँ से आपको मैं बताऊँगा, यहाँ से आपको ईजी विन लगाइए, आप गुड करके खेलिए। 1400 में तो घोड़ा गोली बना देगा, सूरज जनरेटिव जीतेगा ही जीतेगा, ठीक है। इसके मतलब टक्कर का कोई राइडर ही नहीं है दोस्तों, मतलब सूरज जनरेटिव को कौन पकड़ेगा, सीएस जोधा कहाँ से पकड़ सकता। ले मुआ घोड़ा 12 दिसंबर को चिश्ती चलाया था 2.25 लेंथ से रूबी क्यूब से, ना भाई कोई नहीं छू पाएगा इस घोड़े को। घोड़े को 60-70 पैसा विन मिलेगा, स्टार्टिंग में शायद 90 इवन भी मिल जाए। आप इसको विन लगाइए चुपचाप, आराम से विन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, इजी जीतना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों मैं बोलूँगा आपको डेजर्ट गॉड मेरे हिसाब से जीतना चाहिए, भले डेजर्ट गॉड स्टार सुपीरियर दोनों फाइट कर रहेंगे, बट वही दोनों के बीच में फाइट है, पूरी दुनिया जानती है डेजर्ट गॉड वर्सेस स्टार सुपीरियर ही है रेस, बट मैं इसमें बोलूँगा आप डेजर्ट गॉड खेलिए, डेजर्ट गॉड जीतना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टार सुपीरियर को ये ऑलरेडी एक बार इन्विटेशन में हैदराबाद में मार ही चुका है, तो इस समय बहुत तगड़े फॉर्म से गुजर रहा है, डेजर्ट गॉड जीतना ही चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसको आप छोड़ दीजिए, पकड़ नहीं पाएंगे। ये जितना स्टेक मनी हो सकता है वो लेता ही जा रहा है, ये भी मल्टीट्यूड की तरह बस कमाई करना ही है, बस इसको ऐसे ही हो गया है, तो जीतता ही जा रहा। स्टार सुपीरियर भी इधर से जीतता ही जा रहा, 4 विन ये भी मारा, 4 विन लाइन से वो भी मारा, तो वही दोनों में रेस है दोस्तों, मैं बोलूँगा डेजर्ट गॉड ही जीतना चाहिए। उसके बाद लाइन से आप आइए, उसके बाद 6वीं रेस में सूरज जनरेटिव ब्लैक पर्ल, ये घोड़ा तो पूना वाला मल्टी मिलियन मेरे हिसाब से अगले महीने विन मारेगा, तो ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये जीतेगा। ये सीधे अब आपको फरवरी के 3rd वीक में पूना वाला मल्टी मिलियन वहाँ पे बॉम्बे में आपको दिखेगा ये घोड़ा जीतेगा ही जीतेगा मेरे हिसाब से। एडजुडिकेट का ही क्या हाफ ब्रदर फुल ब्रदर, हाफ ब्रदर है ये, एल्वरीटा का बच्चा है एडजुडिकेट भी, आप देखिए यहाँ पे एल्वरीटा का बच्चा है, देखिए एडजुडिकेट मल्टी डायमेंशनल एल्वरीटा, ये भी क्या है एल्वरीटा का बच्चा, बहुत तगड़ा बच्चा दोस्तों, बहुत अमेजिंग रेस भाग रहा है, सूरज नरेडू के हाथ में घोड़ा, तो सूरज नरेडू की 3 रेस ऐसी बुक होगी जीतने की, ठीक है। 2 विजय सिंह को मार के दे रहा है, 1 उसको मार के दे रहा है, डेविड एलन अपना बीच में मारेगा ही मारेगा। अब दोस्तों बीच में अगर वो स्टार सुपीरियर भी चला दिया तो दोस्तों 4 विन सूरज नरेडू ले जाएगा, वो उसको आजकल वो कलकत्ता में जा रहा है तो मतलब धुआं मचा ही रहा है,
तो आप उसको नहीं छोड़ सकते खेलना, क्योंकि वो चला भी रहा है और वो गुड करके आप मतलब पैसा मतलब जाओ पैसा लगाओ जीत कराओ, ऐसा कुछ है वहाँ पर बस सीन सूरज नड्डू का। सातवीं रेस पर आते हैं दोस्तों। सातवीं रेस में मैं आपको बोलूँगा ग्लेनडावर प्लेस के लिए। घोड़ा ये पेंडिंग था बहुत दिन से, उस लास्ट दिन 10-10 के भाव में जिता रहा है 1 जनवरी के दिन। नहीं तो दोस्तों अगर मिस विली नीली का थोड़ा सा ठीक ठाक भाव मिले तो आप इसको भी प्लेस कर सकते हैं। घोड़े को नीरज रावल को दिया है कुछ करने के लिए दिया होगा, बहुत दिन से घोड़ा है पेंडिंग है, घोड़ा बहुत ही ज़्यादा दिन से पेंडिंग है मेरे हिसाब से। तो ये घोड़े को जीतना चाहिए था पर जीत नहीं पा रहा है, एटलीस्ट चलिए प्लेस करवा देगा नीरज रावल, क्योंकि लास्ट टाइम नीरज सुजीत कुमार पासवान के हाथ में ग्लेनडावर जीता है, इसीलिए इसको इधर दिया है। मेरे हिसाब से सिर्फ नीरज रावल इसको प्लेस ही ला पाएगा, उससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं दिख रहा है कुछ कर पाएगा। तो ये है दोस्तों कल का टिप्स। कल पैसा बनाने वाला दिन है दोस्तों, कल मैं आपको खुद बोल रहा हूँ खुला खेलिए डरिए मत, मतलब सूरज नायडू का 3 विन तो पक्का ही है, ऐसा ही है। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।